नहीं, गिड़गिड़ाया हाथ जोड़कर, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे परिवार वालों को बचाओ, हमारी जमीन बचाओ, मैं आज ही जा गया हूं। उच्चाधिकारियों से जाकर गुहार लगाया, गिड़गिड़ाया और बताया, किसी प्रकार हमारे पिताजी ने जमीन लिया था 47 डिसमिल और उसे भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। जी हाँ, एक अनोखी घटना हुई गोरखपुर में। गोरखपुर, जहाँ गोरखपुर से भिज्ञ हैं आप, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नगर है, जहाँ से मुख्यमंत्री जी आते हैं, श्री आदित्यनाथ योगी जी, उन्हीं के जनपद में बड़हलगंज थाना में तैनात हैं राहुल राव, ये प्रशिक्षु दरोगा हैं और ये मूल निवासी हैं जौनपुर के। शुक्रवार को एक अनोखी घटना घटती है अपने थाना बड़हलगंज के अंबेडकर पार्क में। राहुल एक तख्ती लगाते हैं जिसमें मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं कि हमारी जमीन जिसे लिखवाया था हमारे पिताजी ने, उसे भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। मैं घिघियाता रहा, चिल्लाता रहा, रोता रहा और विनती करता रहा, अनुरोध का कोई असर नहीं हुआ, साहब करें क्या, और हमारी जमीन को भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। यह जौनपुर जनपद के मीरगंज थाना अंतर्गत पेट्रोल पंप बंधवा नामक स्थान पर यह जमीन है, अधिकांश कब्जा हो गई है और कोई सुन नहीं रहा है, साहब करें क्या, योगी जी न्याय दिलाओ। अब आप महसूस करिए, वर्दी का एक धौंस है, वर्दी लोगों की सुरक्षा के लिए है, जान माल की सुरक्षा के लिए, और अगर कोई अराजक तत्व तो किसी को परेशान करता है तो उस पर कार्रवाई के लिए है, अपराध दर्ज करेगी और ऐसे लोगों को जेल भेजेगी, गरीब लोगों को जो पीड़ित लोग हैं उन्हें न्याय दिलाएगी। अब ऐसे में जब दरोगा स्वयं गिड़गिड़ा रहा है, घिघिया रहा है कि भैया हमारी जान बचाइए मुख्यमंत्री जी, तो ये बड़ा दुखद पक्ष है। यह फोटो वायरल हुआ और लोगों ने अपने अपने ढंग से इसका विवेचन किया। राहुल राव को SSP ने कहा, चलो आओ बताओ क्यों ऐसा किया। अब यह अनुशासनहीनता के दायरे में आएगा। मैं नहीं जानता कि राहुल की जमीन जो भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, इतने के बाद भी जब वह बावर्दी एक दरोगा धरने पर बैठता है तो उसकी जमीन भूमाफियाओं से मुक्त होती है कि नहीं। एंटी भूमाफिया के टोल फ्री नंबर हैं, 1076 है, तमाम है, पोर्टल है, सब हैं, कुछ हो नहीं रहा है। आप भी महसूस करते होंगे, मैं बिल लिखा पड़ी लगातार करता हूं। अभी एक पोल के बारे में मैंने देखा, बिजली का पोल लटक गया है, लोहे का, सभी वैधानिक कनेक्शन वाले हैं वहां, विद्युत उपभोक्ता लिखते लिखते अगस्त 2019 में एक CN गाजीपुर लाल दरवाज़ा लिखता है कि इसका एस्टीमेट तैयार हो गया है, प्राकलन तैयार हो गया है, बदल दिया जाएगा। मैंने DM को फ़ोन करके पूछा, डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य को, कि DM साहब ये कब तक बदला जाएगा, एक पोल जो लटक कर सड़क पर आ गया है, DM साहब कब बदला जाएगा। और शिकायत किससे की गई, निचले स्तर पर करने के बाद मुख्यमंत्री को की गई और उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, कह दिया जा रहा है बदल दिया जाएगा, बदलोगे कब। भैया आप भी ऐसे मामलों में पीड़ित होंगे, सरकार चाहे जिसकी रही हो, लगता है आरोप लगता है, लोग कहते हैं भैया आप, चूंकि अब है क्या भैया, यूट्यूब का प्रचलन 3 साल पहले मेरे जीवन में जब शुरू हुआ तो आपको लगता होगा कि ऐसे कर रहा हूँ, पानी भर दिया था हम लोगों ने, चाहे बहन जी रहे हों, चाहे बबुआ जी रहे हों, चाहे धरती पुत्र रहे हों, चाहे उसके पहले जो भी रहे हों, राजनाथ सिंह जी से लेकर कल्याण सिंह की गवर्नमेंट में पानी भर दिया गया था। अब यह है कि वह युग नहीं था जो आप देख रहे हैं आज इस तरह से। चलिए, प्रशिक्षु दरोगा की बातों में यदि दम है तो उसे न्याय दिलाओ। मैं जानता हूँ ये लोग कार्रवाई करेंगे, जैसे अभी IPS वैभव कृष्ण पर हुआ है। वैभव कृष्ण ने 5 IPS अफसरों पर आरोप लगाया था कि यह लोग थाना बेचते हैं अमुक लोगों के माध्यम से, पूरा लिख करके भेजा था। महीनों बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तो उनके पत्र कहीं से लीक हो गया। 5ों जो IPS अफसर हैं उनका स्थानांतरण किया गया, लेकिन वैभव कृष्ण ने पत्र लीक कैसे हुआ, चलो निलंबित कर दिया गया। यही है, तमाम लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं। और लोकतंत्र में जब कहीं सुनवाई नहीं होगी तो लोग जनता के बीच जाते हैं। उस दरोगा को बधाई, मैं मिलकर के भी बधाई दूंगा। मैं जानता हूं इस समय किस तरह की किन परिस्थितियों से किस मानसिक अवसाद में
वह उसका जीवन चल रहा होगा। न ईएल मिलना है न सीएल मिलना है, इन्हीं की छुट्टी और इन्हें नहीं मिलेगी, न दरोगा को मिलेगी, न दीवान को मिलेगी, न सिपाही को मिलेगी, न इंस्पेक्टर को मिलेगी, इतना तक तो मैं जानता हूँ। उसके ऊपर भी डिप्टी एसपी वगैरह नहीं मिलता, अगर कहीं चार्ज में है तो उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। राहुल के लिए हमारी शुभकामनाएँ, और कप्तान साहब राहुल को प्रताड़ित मत करिए, एसएसपी साहब राहुल को न्याय दिलाइए। अगर वर्दी की ताकत है और यहाँ आईपीएस लगा करके एक अशोक स्तंभ, एक स्टार दो स्टार, दो स्टार एसएसपी हो जाएंगे, एक अशोक स्तंभ एक स्टार एसपी होंगे, एक अशोक स्तंभ तीन स्टार डीआईजी होंगे। यदि वर्दी किसान को आप देख रहे हैं कि ऐसे धरने पर प्रभावित हो रही है, तो शांत तो इसी में है कि कार्रवाई कराइए, और यह भूमाफियाओं का वर्चस्व जैसे पहले था आज और चढ़ बढ़ करके है। पहले उनकी सरकारों में प्रतिष्ठापित थे, उनका झंडा ढोते थे, जय भीम बोलते थे, जय भीम जय भारत और मान्यवर कांसी राम बोलते थे। बाद में यह लोग बोलने लगे, धरती पुत्र की जय जयकार करने लगे, फिर बाद में बोले जय 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 अखिलेश, जय 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 अखिलेश, अखिलेश भैया तेरे नाम मेरी जवानी है कुर्बान, ऐसे बोलते थे। और वही भूमाफिया आज मोदी 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 और कोई नहीं है, वही झंडा ढूल रहे हैं। चलिए आज के दिन मुझे इतना ही कहना था। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, YouTube चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज राहुल के पक्ष में इस विषय पर, जब कोई वर्दीधारी दो स्टार लगा करके इस प्रकार धरने पर बैठ रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष, यह दुखद हास्यास्पद और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए विचारणीय प्रश्न है कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई कहाँ हो रही है, कानून और व्यवस्था का राज कहाँ है। चलिए यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते होंगे तो मैं विनम्रता के साथ चाहूँगा आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक तथा शेयर करते हुए हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। विनम्र भाव से ब्रजभूषण दुबे का सभी को नमस्कार।